दोस्तों इकोनॉमिक चेंज से 2019 का काम स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारा थंबनेल, आर्थिक जनगणना का काम हुआ स्टार्ट। आपके यहाँ कब होगा देखो नोटिफिकेशन, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, आर्थिक जनगणना 2019 का काम स्टार्ट हो गया। बट अभी कहाँ पर हुआ मैं आपको बताने वाला हूँ, अब प्रत्येक राज्य में कब तक स्टार्ट होगा उसका अभी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, तो बने इस वीडियो में लगातार। अगर आपने अभी तक दोस्तों हेल्प इन हिंदी नाम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। तो पूरा डिटेल जानने के लिए आ जाना है आपको अपने डिजी मेल पर। जैसे डिजी मेल पर आते हैं तो आपके नोटिफिकेशन मिला होगा, यहाँ पर देख सकते हो इकोनॉमिक सर्वे फॉर पांडुचेरी एंड त्रिपुरा टू स्टार्ट ऑन 29 जुलाई। तो आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों इकोनॉमिक 29 जुलाई से पांडुचेरी और त्रिपुरा में आर्थिक जनगणना का आरंभ होने वाला है। तो अब यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आपको कल ही शायद मिला होगा, पांडुचेरी और त्रिपुरा के लिए आर्थिक जनगणना 29 जुलाई से शुरू होगी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MoSPI ने आर्थिक जनगणना के संचालन के लिए CCSPB के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो जनसंख्या की गणना से मेल खाने के लिए सभी घरों को आयोजित किया जाएगा। तो अगर हम पांडुचेरी की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, तो यहाँ पर 29 जुलाई से आर्थिक जनगणना इकोनॉमिक सर्वे का काम स्टार्ट होने वाला है। और आज 27 जुलाई दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज 27 जुलाई है, आपको 2 दिन बाद इसका जो जनगणना का काम स्टार्ट होना बिल्कुल चालू हो जाएगा। जैसा कि आप डिजिटल पर नोटिफिकेशन भी देख रहे होंगे, अगर हम बात करें अदर स्टेट की, अगर आप कहीं और से बिलोंग करते हैं, सपोज दैट उत्तर प्रदेश से या MP से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, कहीं पर से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पर कब तक स्टार्ट होगा इसका अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन लगभग ये 15 अगस्त तक स्टार्ट हो जाएगा। 15 अगस्त तक स्टार्ट होने की इसको उम्मीद है। और दोस्तों लेकिन अभी मैं ऑफिशियल नहीं बोल सकता हूँ कि 15 अगस्त से ही होगा, जैसे कोई ऑफिशियल न्यूज आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। लेकिन अगर आप आर्थिक जनगणना से रिलेटेड कोई भी ट्रेनिंग मॉड्यूल लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं कि कैसे आपको जनगणना करना है, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया, यहाँ पर देख सकते हो आर्थिक जनगणना फुल ट्रेनिंग प्रोसेस मैंने पूरा एक एक स्क्रीनशॉट के साथ बताया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों इस वेबसाइट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहाँ पर आकर पूरा बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं यहाँ पर कितनी कैटेगरी डिफाइन की गई है, कैसे कैसे आपको आर्थिक जनगणना का काम करना है, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। अगर हम स्कूल की बात करें या हॉस्पिटल की बात करें या ठेला रेहड़ी लगाने वालों की बात करें, किस कैटेगरी में आएंगे, इनकी आपको जनगणना कैसे करनी है, इन सभी के मैंने वीडियो पहले से बना रखे हैं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वेबसाइट का। और आप यहां पर आकर पूरा डिटेल के साथ आर्थिक जनगणना का काम की फुल ट्रेनिंग ले सकते हैं कि कैसे आपको जनगणना का काम करना होगा। तो इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला था कि पांडुचेरी और त्रिपुरा में 29 जुलाई से स्टार्ट होगा और अपने यहाँ पर लगभग 15 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन ऑफिशियल नोटिस का वेट करें, जैसे ऑफिशियल नोटिस आएगी हम आपके तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। उससे पहले दोस्तों अगर हमारे आपने अभी तक हेल्प हिंदी फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो प्लीज जरूर फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि यहाँ पर मैं लगातार ट्रेनिंग की वीडियो, जो भी आर्थिक जनगणना से रिलेटेड ट्रेनिंग का प्रोसीजर, उसकी वीडियो मैं लगातार यहाँ पर डालता रहता हूँ। तो प्लीज इस हेल्प हिंदी नाम के फेसबुक पेज को भी आप जरूर फॉलो करें।